नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपने देश की कीमत पर सत्ता में बने रहने की ललक और लालसा कितनी खतरनाक होती है, इसकी बानगी आज भारत और कनाडा के संबंधों को देखकर समझा जा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी प्रेम उनका इस कदर हावी हो चुका है कि वो इस खालिस्तानी प्रेम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों को ताक पर रख करके अपने फैसले लेने से गुरेज नहीं कर रहे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। भारत बीते एक दशक या कह लीजिए उससे पहले से लगातार कनाडा को अवगत कराता आ रहा है कि कैसे उसकी सरजमी पर खालिस्तानी समर्थक आतंकवाद पल बढ़ रहा है, खतरनाक आतंकी गतिविधियां वहां पर घर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां लिए गए फैसलों से समझा जा सकता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका जो खालिस्तान प्रेम है, वहां रहने वाली जो सिख कम्युनिटी है उसके वोट बैंक का टारगेट लेते हुए भी वो ऐसे खतरनाक संगठनों और उनको चलाने वाले लोगों के फैसलों के साथ खड़े नजर आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे वाक्य बताती हूँ जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो के फैसलों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका खालिस्तानी प्रेम और उनका वोट बैंक, उनकी राजनीति और उनका पद उनके लिए इस कदर हावी और उनकी लालसा को आगे ले जा रहा है जिसके चलते वो भारत और कनाडा के संबंधों को भी ताक पर रख रहे हैं। 1985 का कनिष्क विस्फोट जिसमें 24 भारतीय नागरिकों के साथ 268 कैनेडियाई नागरिक भी मारे गए, ये कनाडाई इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला था। किसी देश को हिलाने के लिए काफी था। कनाडा तब भी विफल रहा और कनाडा खालिस्तानी ताकतों को नियंत्रित करने में आज भी विफल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विस्फोट के लिए जो जिम्मेदार आतंकी संगठन है बब्बर खालसा, उससे जुड़े सदस्यों को आज भी कनाडा में मुफ्त की यात्रा सुविधा है। वो देश जिसकी सरजमी पर एक आतंकी हमला होता है, एक विमान को निशाना बनाया जाता है, जो आतंकी संगठन उसके लिए जिम्मेदार है, उससे जुड़े सदस्यों को आज भी कनाडा में मुफ्त यात्रा की सुविधा है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक और घटना का जिक्र मैं करती हूं। जब वोट बैंक की राजनीति की बात आती है तो सरकार के जो कारनामे हैं वो शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं। 26 प्रत्यर्पण अनुरोध जो भारत ने खतरनाक गिरोहों से संबंधित कनाडा के साथ साझा किए थे, लगातार भारत अनुरोध भेज रहा था, चेता रहा था, वो आज भी ऐसा लगता है कि कनाडा के कानों तक जैसे पहुंचे ही नहीं है। एक दशक से ज्यादा समय हो गया है जिसमें निज्जर का नाम भी एक है, जिसकी हत्या का आरोप कनाडा या कह लीजिए जस्टिन ट्रूडो भारत पर लगाते रहते हैं, वो आज भी कनाडा के पास लंबित है। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर साजिश के आरोप लगाते समय कनाडाई अधिकारियों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि राजनयिकों को जो सुरक्षा मिलती है वो कनाडा देता है, और फिर भी कनाडा के सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो भी राजनयिक के साथ। राजनयिक मिशन को भारत के सबसे कुख्यात अपराध सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई, जो वर्तमान में भारत की जेल में है, कैद है, उसके साथ जोड़ दिया गया, और वो भी बिना किसी सबूत और गंभीर साजिश के आरोप लगाना। अब आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये इतना जरूरी हो गया? हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत इस राजनयिक जो पूरा विवाद हुआ है, वो विवाद कैसे और बढ़ता चला गया, उसकी उत्पत्ति प्रतीत होती है, वो खुद एक आतंकवादी है जिसने 1997 से कई बार कनाडा में शरण का दावा करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। कई प्रत्यर्पण अनुरोध जो है वो भेजे गए, भारत द्वारा चेतावनियां दी गई, और फिर भी कनाडा ने इसका समाधान नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि इस व्यक्ति की जड़ें सिख समुदाय में हैं और ट्रूडो डरे हुए हैं कि वोट बैंक की राजनीति उन पर हावी हो गई है, चुनाव लड़ना है, आगे क्या होगा। और निज्जर जैसे नामित आतंकवादियों के अलावा कई गैंगस्टर कनाडा की धरती पर भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने वाले हिंसक अपराधों और गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर को कनाडा में ठिकाना मिल गया है। अब नाम सुनते जाइए, अब सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला, लखबीर सिंह संधू, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ भारत में इंटरपोल द्वारा जारी आरसीएन के साथ दर्ज और जांच किए गए मामलों की एक लंबी लिस्ट शामिल है। और सुनिए, एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ 28 जुलाई 2024 को कैलगरी के म्यूनिसिपल प्लाजा में
कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए छठे चरण का मतदान कर दिया, रेफरेंडम के लिए वोट डाल दिया और फिर से कनाडा एकमात्र ऐसा देश साबित हुआ जिसने जनमत संग्रह के चार दौर को समायोजित किया। सरकारी संपत्ति पर वो रेफरेंडम कराया गया, मतलब ये प्रशासन का, सरकार का समर्थन हुआ। इस मामले की शिकायत भारत पहले विदेश मंत्रालय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा से कर चुका है। तो कनाडा का पाखंड भारत को बदनाम करने का एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। भारत ने आतंकवादियों और गिरोहों के सदस्यों के प्रत्यार्पण के लिए कदम उठाए, लिस्ट पे लिस्ट भेजी जिसे कनाडा ने नजरअंदाज कर दिया। भारत की ओर से चेतावनियां लगातार मिली हैं जिन्हें कनाडा जानबूझकर नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपने देश की कीमत पर सत्ता में बने रहने की ललक और लालसा कितनी खतरनाक होती है, इसकी वानगी आज भारत और कनाडा के संबंधों को देखकर समझा जा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी प्रेम उनका इस कदर हावी हो चुका है कि वो इस खालिस्तानी प्रेम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों को ताक पर रख करके अपने फैसले लेने से गुरेज नहीं कर रहे। और ये कोई पहला वाक्या नहीं है। भारत बीते एक दशक या कह लीजिए उससे पहले से लगातार कनाडा को अवगत कराता आ रहा है कि कैसे उसकी सरजमी पर खालिस्तानी समर्थक आतंकवाद पल बढ़ रहा है, खतरनाक आतंकी गतिविधियां वहां पर घर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां लिए गए फैसलों से समझा जा सकता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका जो खालिस्तान प्रेम है, वहां रहने वाली जो सिख कम्युनिटी है उसके वोट बैंक का टारगेट लेते हुए भी वो ऐसे खतरनाक संगठनों और उनको चलाने वाले लोगों के फैसलों के साथ खड़े नजर आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे वाक्य बताती हूँ जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो के फैसलों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका खालिस्तानी प्रेम और उनका वोट बैंक, उनकी राजनीति और उनका पद उनके लिए इस कदर हावी और उनकी लालसा को आगे ले जा रहा है जिसके चलते वो भारत और कनाडा के संबंधों को भी ताक पर रख रहे हैं। 1985 का कनिष्क विस्फोट जिसमें 24 भारतीय नागरिकों के साथ 268 कैनेडियाई नागरिक भी मारे गए, ये कनाडाई इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला था, किसी देश को हिलाने के लिए काफी था। कनाडा तब भी विफल रहा और कनाडा खालिस्तानी ताकतों को नियंत्रित करने में आज भी विफल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विस्फोट के लिए जो जिम्मेदार आतंकी संगठन है बब्बर खालसा, उससे जुड़े सदस्यों को आज भी कनाडा में मुफ्त की यात्रा सुविधा है। वो देश जिसकी सरजमी पर एक आतंकी हमला होता है, एक विमान को निशाना बनाया जाता है, जो आतंकी संगठन उसके लिए जिम्मेदार है, उससे जुड़े सदस्यों को आज भी कनाडा में मुफ्त यात्रा की सुविधा है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक और घटना का जिक्र मैं करती हूं। जब वोट बैंक की राजनीति की बात आती है तो सरकार के जो कारनामे हैं वो शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं। 26 प्रत्यर्पण अनुरोध जो भारत ने खतरनाक गिरोहों से संबंधित कनाडा के साथ साझा किए थे, लगातार भारत अनुरोध भेज रहा था, चेता रहा था, वो आज भी ऐसा लगता है कि कनाडा के कानों तक जैसे पहुंचे ही नहीं है। एक दशक से ज्यादा समय हो गया है जिसमें निज्जर का नाम भी एक है जिसकी हत्या का आरोप कनाडा या कह लीजिए जस्टिन ट्रूडो भारत पर लगाते रहते हैं, वो आज भी कनाडा के पास लंबित है। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर साजिश के आरोप लगाते समय कनाडाई अधिकारियों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि राजनयिकों को जो सुरक्षा मिलती है वो कनाडा देता है और फिर भी कनाडा के सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो भी राजनयिक के साथ। राजनयिक मिशन को भारत के सबसे कुख्यात अपराध सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई, जो वर्तमान में भारत की जेल में है, कैद है, उसके साथ जोड़ दिया गया और वो भी बिना किसी सबूत और गंभीर साजिश के आरोप लगाना। अब आप सोचिए एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये इतना जरूरी हो गया। हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मौत इस राजनयिक जो पूरा विवाद हुआ है वो विवाद कैसे और बढ़ता चला गया उसकी उत्पत्ति प्रतीत होती है, वो खुद एक आतंकवादी है जिसने 1997 से कई बार कनाडा में शरण का दावा करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। कई प्रत्यर्पण अनुरोध जो है वो भेजे गए, भारत द्वारा चेतावनियां दी गई और फिर भी कनाडा ने इसका समाधान नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि इस व्यक्ति की जड़ें सिख समुदाय में हैं और ट्रूडो डरे हुए हैं कि वोट बैंक की राजनीति उन पर हावी हो गई है, चुनाव लड़ना है, आगे क्या होगा।
और निज्जर जैसे नामित आतंकवादियों के अलावा कई गैंगस्टर कनाडा की धरती पर भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने वाले हिंसक अपराधों और गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर को कनाडा में ठिकाना मिल गया है। अब नाम सुनते जाइए, अब सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदल्ला, लखबीर सिंह संधू, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ भारत में इंटरपोल द्वारा जारी आरसीएन के साथ दर्ज और जांच किए गए मामलों की एक लंबी लिस्ट शामिल है। और सुनिए, एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे 28 जुलाई 2024 को कैलगरी के म्युनिसिपल प्लाजा में कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए छठे चरण का मतदान कर दिया, रेफरेंडम के लिए वोट डाल दिया। और फिर से कनाडा एकमात्र ऐसा देश साबित हुआ जिसने जनमत संग्रह के चार दौर को समायोजित किया। सरकारी संपत्ति पर वो रेफरेंडम कराया गया, मतलब ये प्रशासन का, सरकार का समर्थन हुआ। इस मामले की शिकायत भारत पहले विदेश मंत्रालय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा से कर चुका है। तो कनाडा का पाखंड भारत को बदनाम करने का एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। भारत ने आतंकवादियों और गिरोहों के सदस्यों के प्रत्यार्पण के लिए कदम उठाए, लिस्ट पे लिस्ट भेजी, जिसे कनाडा ने नजरअंदाज कर दिया। भारत की ओर से चेतावनियां लगातार मिली हैं, जिन्हें कनाडा जानबूझकर नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है।